आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ हमारे साथ, कि सैटरडे को हमें बहुत ज़्यादा लेट पता चला कि हमें मंडे को, मेरे मंडे से मंडे टू फ्राइडे मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग है वो भी अहमदाबाद। हम सैटरडे को, मतलब फिर हम संडे को निकले हैं, कल रात को हम निकले हैं और मंडे को आज हम सुबह पहुँचे हैं अहमदाबाद। ऑटो को बुक किया है तो ऑटो आने में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, वहाँ जाके आपका आगे वाली वीडियो ज़रूर देखना। आगे वाली वीडियो में दिखाती हूँ मैं आपको कि कहाँ क्या कुछ है मार्केट में। एक दो बार पहले भी मैं मार्केट में गई हूँ बट मुझे आइडिया नहीं था ऐसा कुछ है क्या। आज देखते हैं कुछ नया क्या मिलता है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मार्केट में आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है और बहुत ज़्यादा इधर उधर दिखाते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। मैं यहाँ इस मार्केट में आ गई, ऑटो वाले ने थोड़ा गलत उतार दिया मुझे, अब थोड़ा पैदल जाना पड़ रहा है, आधा किलोमीटर लगभग पैदल जाना पड़ेगा। और इस मार्केट में मुझे उतार दिया जहाँ पर सब बिजली का सामान है। ये मुझे यहाँ इस मार्केट में ये शॉप मिल गई थी जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि नेम प्लेट की जगह भी ये वाली लाइट लगवा रहे हैं, और किसी चैनल का नाम होता है या घर का भी नेम प्लेट लगाते हैं, तो इस टाइप से मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये वाली लाइट। तो मैंने भी सोचा था अपने क्विंस फैशन का जो भी हम चैनल का नाम है उसकी लाइट बनवा लेती हूँ, बट वो क्या हुआ कि क्विंस फैशन का कहते बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बनेगा, फिर वो काफ़ी लंबा इतना थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड हो जाता है, उसको फिर संभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और लाइट की वो भी काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी। ये वाली वैसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लाइट्स वगैरह थी, तो वैसे मुझे लाइट वाली मार्केट में तो जाना नहीं था बट गलती से उसने उतार दिया, मेरे को पता नहीं था। अभी मैं वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक शॉप पर जाना, इसलिए मैं अभी ढूँढते ढूँढते इस शॉप पर आ गई हूँ। ये आप सभी को पता ही होगा कि मैं आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में नेल आर्ट सिखा रही हूँ। नेल आर्ट मैं खुद भी करती रहती हूँ मेरे खुद के लिए, और मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ, जो भी सीख रहे हैं उनको पता होगा। तो अगर आप मेरे से बार बार प्रोडक्ट का पूछ रहे हो तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ प्रोडक्ट इनके पास मिल जाएगा। ये शॉप होलसेल की शॉप है, SNX अहमदाबाद होलसेल शॉप है नेल आर्ट की, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सब कुछ इनके पास ओरिजिनल है, मैंने खुद ने जाके यहाँ पे चेक किया था, आपको सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलेंगे और होलसेल प्राइस में मिलेंगे। और अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप इनसे जो भी आपको चाहिए कैटालॉग मंगवा के व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा होलसेलर था और जेन्युइन है और रियल वाला है, कि ऐसा नहीं होगा कि आपको फेक में फंस जाएंगे। और सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्रोम नेल आर्ट और बोल्ट की और सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स की जेल नेल पॉलिश है। जेल नेल पॉलिश अगर जिसको नहीं पता वो कि आजकल 1 मंथ 2 मंथ तक जेल पॉलिश अगर हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं तो वो नहीं उतरती है, इसलिए हम आजकल जेल पॉलिश का यूज़ कर रहे हैं। और जो भी आप लेना चाहते हो आप इनसे ले सकते हो। वहाँ से बाहर निकलने के मुझे एक बार ये शॉप दिख गई थी पंडित जी राखी, ये मतलब शॉप में मैं खुद देख के हैरान हो गई थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही ज़्यादा राखियाँ थी यहाँ पे। ये व्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ बट सॉरी, आप नेक्स्ट टाइम के लिए इनका नंबर नोट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा सस्ती और बहुत ज़्यादा राखियाँ थी इनके पास, ये राखी के मैन्युफैक्चरर हैं। और मतलब अगर आपको चाहिए तो आप इस व्लॉग में से नंबर सेव कर सकते हो और नेक्स्ट टाइम के लिए आप रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है और राखियों के मैन्युफैक्चरर है ये बिल्कुल, जिसको भी राखियों पे सेल लगानी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी शॉप है। इनका एड्रेस मैं डाल दूँ। आप ही मैं थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होके रेस्ट कर लिया, अब हम घूमने के लिए जा रहे हैं कांकड़ लेक पे, कांकड़िया लेक अहमदाबाद। तो तैयार हो गए हैं, कैब का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कांकड़िया लेक।
ये कंकड़िया लेक का मेन गेट है। पहले कंकड़िया लेक अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, जिसका झूला टूटा था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। और ये पहले टिकट लेके आनी पड़ेगी, टिकट लेके फिर यहाँ से एंट्री होगी। मैं तो आराम से बैठी थी और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हुआ है कि और काफ़ी मतलब 3 किलोमीटर का राउंड है, ये इतना लंबा तो राउंड लग नहीं सकता, तो मैं आप लोगों को बस दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो लाइटें हैं ये चारों तरफ से है, लेक के चारों तरफ, काफ़ी काफ़ी दूर दूर तक ऐसे ये 4 किलोमीटर, और ये बीच में स्पेस है। हेलो ये देख लो, शाम को भी एक गुड़िया घूमने आई हुई है अभी। ये सब यहाँ पे है, वैसे सब कुछ है यहाँ पे, शिप लेक और काफ़ी कुछ है घूमने का, बट इतना ज़्यादा थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लाइटें यहाँ। फिर हम सोच रहे हैं कुछ खा पी के यहीं से चल पड़ते हैं, क्योंकि बस अब हम यही सोच रहे हैं कि यहीं से ही कुछ खा पी के और चल पड़ते हैं, जाके सो जाते हैं, क्योंकि वो भी सारा दिन से थके हुए हैं। और मैंने भी मार्केट वगैरह गई थी तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, नींद आ रही है। बस थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ होटल से बाहर निकल गए, थोड़ा सा घूम फिर लिए, थोड़ा सा अब खाना तो भारी खाना था तो यहीं खा के चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आउटिंग होने से ऐसा हो जाता है कि मूड फ्रेश हो जाता है। खाकू के मैं बता रही थी, मैंने तो सोचा था इडली खाऊंगी, क्योंकि मैंने आज लंच में भी सैंडविच खाया था, कल रात को भी सैंडविच खाया था, तो अभी सैंडविच खाने का मन नहीं है। बाकी देख ये देखो, इन्होंने आइसक्रीम बना रखी है पूरे प्लास्टिक की, अच्छी सी लग रही है आइसक्रीम, है ना, सुंदर सी है, एंट्री में अच्छी लग रही है आइसक्रीम। मेरे लिए मंगवा ली है मैंने इडली सांभर, वो मंगवा रहे हैं मंचूरियन। इसकी पूरी आई है क्वांटिटी, इसमें काफ़ी आई है क्वांटिटी, तो इतने ड्राई थोड़ी खाई जाती। अब हम खाना खा के तो फ्री हो गए थे, और इसके बाद हमने देखा था लेजर शो, जो यहाँ अहमदाबाद लेक पे लेजर शो होता है। ज़्यादातर यहाँ अहमदाबाद में या मतलब गुजरात में ही लेजर शो मैंने देखे हैं, होते हैं। अगर मैं लेजर शो इस व्लॉग में एडिट करती हूँ तो 17 मिनट का वो ही हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो लेजर शो कल वाली वीडियो में आपको मिलेगा, और अगर मैं व्लॉग को लेजर शो को भी कट कट करके डालूँगी ना तो समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा था, या सामने जो भी लेजर शो है वो बताना क्या चाहता है, किसके बारे में है। तो इसलिए कल फुल वीडियो देखना, उसमें लेजर शो आपको मिलेगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।